अब तक आपने दुनिया भर में एप्पल के आईफोन का जबरदस्त क्रेज देखा होगा। लोगों ने इसके फोन को अपने स्टेटस से जोड़ लिया है, इसलिए तो हर बार नई लॉन्चिंग का बेसब्र से इंतजार होता है। लेकिन जो खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो एप्पल का एक और बड़ा कदम है। बाकी कंपनियों की तरह एप्पल कंपनी भी मार्केट में अपनी कार उतारने जा रही है। कब होगी इसकी लॉन्चिंग, कितनी होगी कीमत और क्या है इस कार में खास, ये सब हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। एप्पल की इलेक्ट्रिक कार को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक एप्पल कंपनी लंबे वक्त से अपनी इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है। कंपनी ने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम टाइटन रखा है, जो कहा जा रहा है कि कार को अब 2026 तक पेश किया जा सकता है। इससे पहले कार को 2025 तक लॉन्च करने की उम्मीद की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने सेल्फ ड्राइविंग कार को लॉन्च करने की प्लानिंग में काफी देरी कर दी है, इसलिए कंपनी ने लॉन्चिंग को 2026 तक टाल दिया है। कथित तौर पर कंपनी ने करीब 8 साल पहले सेल्फ ड्राइविंग कार पर काम करना शुरू किया था। एप्पल की तरफ से काम कर रहे लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना स्टेयरिंग और पैडल वाली सेल्फ ड्राइविंग कार को तैयार करना मौजूदा वक्त में संभव नहीं है, इसलिए इस कार को मार्केट में उतारने पर थोड़ा और वक्त लग सकता है। एप्पल कंपनी टेस्ला की तरह नहीं चाहती है कि उनकी कार में सेल्फ ड्राइविंग तकनीक को लेकर बड़ी परेशानी आए। अब तक की रिपोर्ट में जो सामने आया है उसके मुताबिक एप्पल की इलेक्ट्रिक कार की कीमत करीब $1,00,000 हो सकती है, मतलब भारतीय रुपए के हिसाब से इसकी कीमत 80 से 82 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। माना जा रहा है कि एप्पल की इस इलेक्ट्रिक कार में एप्पल सिलिकॉन चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा और भी इस कार में कई खास फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ये कार कितनी देर में कितना चार्ज होगी और सिंगल चार्जिंग में कितने किलोमीटर तक जाएगी या फिर इस कार की टॉप स्पीड कितनी होगी, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि कार सेगमेंट में एप्पल की कार मर्सिडीज और जीएम हमर ईवी के मुकाबले सस्ती और बेहतर हो सकती है, यानी एप्पल की कार टेस्ला और मर्सिडीज को सीधी टक्कर दे सकती है। कहने का मतलब साफ है कि ये एक लग्जरी कार होगी जो कि अमीरों के शौक और स्टेटस का बड़ा साधन साबित हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से लोग आम फोन से काफी महंगा आईफोन का शौक रखते हैं, उसी तरह से हो सकता है कि इस कार का क्रेज भी लोगों में देखने को मिले। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।